हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो देखिए, हमने 300 ग्राम करेला लिया है और उसे धोया नहीं है। काटने के बाद उसे हम धोएंगे, तो हम इस तरह से लंबे लंबे साइज में कट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा सारा करेला कट गया है और इसे हम झाड़ झाड़ कर उठा लेंगे और नीचे सारे बिया रह जाएंगे। हमने एक कढ़ाई ली है फ्रेंड, इसमें 2 चम्मच भर कर तेल डाल दिया है। तेल हमारा रिफाइंड तेल है। और 4 प्याज हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिया। तो तेल में हमने एक चुटकी जीरा ले लिया है। जीरा चटकने के बाद हम सारे प्याज को इसमें डाल दिए हैं। प्याज हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा हम इधर उधर करके चला रहेंगे और इसमें करेला डाल देंगे। धोकर करेला हमने इसमें 2 चम्मच भर कर नमक दे दिया था। नमक देने के बाद हमने इसे रख दिया था 1/2 घंटे के लिए। जब वो अच्छी तरह से उसका तीतापन निकल गया तो हमने उसे गाड़ कर फेंक दिया और इसे धोकर हम इसमें डाल दिए। अब हम इसे प्याज के संग अलट पलट करेंगे। हमने 2-3 हरी मिर्च भी दे दिए और 2 आलू हमने इस तरह से कट लगा कर डाल दिए। इसे हम ढक देंगे फ्रेंड। हमने 1 चुटकी हल्दी भी डाल दिया ताकि कलर अच्छा लगे और फिर उसको टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दिए। ऐसे हम चला कर इस तरह से ढक दिए। फिर हम इसे खोल कर फिर से चलाएंगे। ये फ्रेंड, हमारा करेला तकरीबन तैयार हो गया है, एकदम पूरा ही तैयार हो गया है। देखिए, हम इसे थोड़ा सा इधर से अलट पलट करेंगे। हमें इसे ज़्यादा लाल या काला नहीं करना है वरना तीता लगेगा। फिर बहुत अच्छा, बहुत मज़े में पक कर तैयार हुआ था। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़।